जेई मेन 2019 में एल्कीन चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में एक बेंजीन रिंग है, उसके बाहर एक साइक्लोहेक्सीन रिंग है, पहले इसकी रिएक्शन Br2 से कराते हैं फिर उसमें इथेनॉल डालते हैं, ठीक है ना। चार ऑप्शन इन्होंने दिए हुए प्रोडक्ट में, ठीक है, इन चारों में एडिशन प्रोडक्ट्स हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई डबल बॉन्ड ले लें और उसकी Br2 से रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है इसमें, इसमें जब ये एल्कीन Br को अटैक करता है तो Br+ को खुद के ऊपर ले आता है, ठीक है ना, और Br- अलग हो जाता है। तो कायदे से ये Br जो है वो एक जगह आ जाता है और यहाँ प्लस बन गया, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ब्रोमो के पास लोन पेयर है तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ये तुरंत साइक्लाइज हो जाता है। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कोई कार्बोकेटायन नहीं होता बल्कि ऐसे एक नॉन क्लासिकल साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन होता है, ब्रोमीनियम कैटायन होता है ये, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। इथीन पर जैसे CH2 CH2 लेने CH2 CH2 ले, इथीन पर करके देखा गया तो देखो क्या होता है, हर कार्बन के इन्वायरमेंट के हिसाब से स्पेक्ट्रोग्राम में दो पीक्स आती है, दो तरह के कार्बन में दो पीक आनी चाहिए थे, लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रोग्राम निकाला गया तो पता लगा एक ही पीक आई और वो भी डबल एरिया वाली। इसका मतलब क्या था कि दोनों कार्बन सेम इन्वायरमेंट के हैं, एंड दोनों कार्बन सेम इन्वायरमेंट के तभी हो सकते हैं जब वो ऐसे होना कि ऐसे हो, ठीक है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो ब्रोमीन है वो साइक्लाइजेशन कर लेता है और इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक जो इंटरमीडिएट कैटायन बन गया ये इसका रियल इंटरमीडिएट है और इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह भी नहीं होता। अब इसके बाद हमारे पास अगर Br- है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे तो उसको भी मौका मिलेगा, अगर इथेनॉल है तो उसको भी मौका मिलेगा, तो Br- को मौका मिलेगा, इथेनॉल को मौका मिलेगा और न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर अगर प्लस बनता तो ज्यादा स्टेबल होता, यानी मार्कोनिकोफ का रूल फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इथेनॉल यहां अटैक करेगा तो ये रिंग वापस ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिलेगा यहां पर तो OET और यहां पर मिल जाएगा ब्रोम। और देखो ये एंटी एडिशन भी होगा, एंटी एडिशन क्यों होगा, क्योंकि एक साइड से क्राउडिंग है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट साइड से ही आएगा। सो न्यूक्लियोफाइल कम्स इन ए फास्ट स्टेप, दिस वॉज RDS व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्ड, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल कम्स इन ए फास्ट स्टेप एट लास्ट एट द मोस्ट स्टेबल पोजिशन वेयर इफ कार्बोकेटायन वॉज फॉर्म्ड वॉज मोर स्टेबल, राइट। तो अब जरा इस अपनी हमारे क्वेश्चन की रिएक्शन को देख लें। हमारे क्वेश्चन के रिएक्शन में एक तो है बेंजीन रिंग, ठीक है ना, और दूसरा है यहां पर एक डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेन रिंग जो इसके साथ अटैच्ड है, फ्यूज्ड है। आपने Br2 से रिएक्शन करवाया तो जैसा कि एल्कीन करता है, इस एल्कीन ने Br पर अटैक किया और Br- बाहर किया और हमें मिला एक साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है ना। कैसा इंटरमीडिएट मिला साहब, हमें मिला एक साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, यस, जो कि ऐसे हमेशा मिलता है हर उस इलेक्ट्रोफाइल में जिसपे लोन पेयर हो उस पर इस तरह का एक नॉन क्लासिकल कैटायन इंटरमीडिएट मिलता है जो कि कार्बोकैटायन नहीं होता और उसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास Br- भी है और ETOH भी है, Br- अटैक करेगा तो भी यही अटैक करेगा, ETOH भी करेगा तो भी यही करेगा, जहां पर प्लस चार्ज अगर बनता तो ज्यादा स्टेबल होता वहीं पर अटैक होगा, ठीक है ना। डाइब्रोमो वाला Br- वाला उन्होंने प्रोडक्ट ऑप्शन में दिया नहीं है। तो अब हमने ये देख लिया कि ये बेंजीन तो एज इट इज है और यहां पर OET आ गया, यहां पर ब्रोमो आ गया। स्टीरियो का भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं रखा, वरना अगर OET फ्रंट से आता तो ब्रोमो, कायदे से हमें ऐसे करना चाहिए था, कायदे से हमारे पास दो प्रोडक्ट्स होते स्टीरियो को इंक्लूड करने की वजह से। अगर OET फ्रंट से आया देन ब्रोमो हैज टू गो बैक साइड, राइट। एट द सेम टाइम OET कैन कम फ्रॉम बैक ऑल्सो, तो अगर OET बैक से आया तो ब्रोमो फ्रंट पर आ जाएगा, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलने चाहिए। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में स्टीरियो का जिक्र नहीं किया है, इन्होंने सिंपली ऐसा लिखा है आंसर
तो हमारा आंसर इसके हिसाब से डी हो जाएगा, आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, आप नोट करें।